आज हम 12 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडो श्रीलंकन पीस अकॉर्ड साइंड ऑन, इसका मतलब है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो शांति समझौता हुआ था वो किस तारीख को हुआ था? 20 जुलाई 1982, 29 जुलाई 1987, 29 अप्रैल 1989 या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच प्लेस, यानी कि अभी अभी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर, क्वाड यानी कि चार देशों का समूह है ये, इसके जो विदेश मंत्री हैं उन लोगों की मीटिंग हुई है किस जगह पर हुई है? सिंगापुर, कैनेडा, टोक्यो या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। टोक्यो में अभी अभी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द ट्री प्लांटेशन पॉलिसी, मतलब इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को अभी अभी पास किया है? दिल्ली, गुजरात, मुंबई या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अभी ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कृष्णा पिकॉक, यानी कि कृष्णा पिकॉक इनमें से क्या है? पिकॉक, पिकॉक यानी मयूर, प्लांट या बटरफ्लाई यानी कि तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटरफ्लाई। कृष्णा पिकॉक जो है वो एक तितली है, उसका नाम है कृष्णा पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु मनी कैंपेन इज रिलेटेड टू, मतलब कि मरु मनी कैंपेन जो अभी स्टार्ट हुआ है वो किस से रिलेटेड है? टू सपोर्ट डेजर्ट फार्मर्स, टू सपोर्ट म्यूजिशियंस ऑफ डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सपोर्ट म्यूजिशियंस ऑफ डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है, देखो राजस्थान में जो डेजर्ट है, राजस्थान में तो रेगिस्तान है आप लोग सभी को पता है, तो वहाँ पे अभी लॉकडाउन के दौरान जो म्यूजिशियंस हैं, जो लोग गाना वगैरह गाते हैं बजाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, तो रेगिस्तान वाले इलाके में मरुमनी नाम का कैंपेन म्यूजिशियंस को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड, यानी कि मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है मुल्ला पेरियार डैम, और इस डैम को लेकर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, न्यूज़ में ये आ रहा है, इसीलिए आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहा पीस टॉक इज रिलेटेड विथ, दोहा पीस टॉक यानी दोहा शांति वार्ता किससे संबंधित है? अफगानिस्तान एंड तालिबान, पाकिस्तान एंड ISIS, बांग्लादेश एंड म्यांमार या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान एंड तालिबान। देखो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में शांति वार्ता करवाने के लिए बहुत समय से कोशिश चल रही है, तो इंडिया भी इसमें एक भागीदार है जो सहयोग कर रहा है, और अभी ये न्यूज़ में चल रहा है इसलिए आज हमने इसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो नोन एज, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर चाइना शंघाई में है, उसको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी, IMF, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक्स बैंक या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री, ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे हम हर घर जल राज्य पुकार सकते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2020, लिटरेचर नोबल प्राइज किसे मिला है 2020 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुइस ग्लक, फ्रेडरिक मिशेल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस ग्लक को लिटरेचर में पोयम के लिए नोबल प्राइज मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू।